एसएससी जैसे एग्जाम को निकालने के लिए आपको बहुत 30 मार्क होने की जरूरत नहीं है। एनी एवरेज स्टूडेंट कैन क्रैक दिस एग्जाम, एनी, इट डिपेंड्स कि कौन से वो 7000 लोग हैं, कोई भी हो सकता है। देखिए पहली बात तो दो चीजों को समझना बहुत जरूरी है, हमें एक चीज को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबका पहली बात तो सिलेक्शन नहीं होता है। ये मैं निगेटिविटी आपको नहीं बता रहा हूं, ठीक है, दिस इज अ रियलिटी एंड दैट वी नीड टू एक्सेप्ट। ओके, व्हाई आई एम सेइंग दिस, एवरी ईयर 15 लाख पीपल आर फिलिंग द फॉर्म, क्लोज टू 2 मिलियन लाख समटाइम्स, 10-12 लाख 15 लाख लोग एग्जाम दे देते हैं, सिलेक्शन होता है 7 से 8 हजार लोगों का, ठीक है, लॉट ऑफ पीपल डोंट गेट सिलेक्टेड, राइट, सो मेनी डोंट गेट सिलेक्टेड। तो एक रियलिटी हमें पता होनी चाहिए कि एग्जाम की तैयारी करने का मतलब ये नहीं है कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, अच्छे अच्छे बच्चे नहीं होते हैं कई बार। वाई आई एम सेइंग दिस, अंडरस्टैंड दिस, क्योंकि हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि हर एक एग्जाम देने के बाद 15-15 लाख बच्चे डिप्रेशन में चले जाएं। टेल मी, इज इट ए राइट थिंग फॉर एनी सोसाइटी? नो, इट्स अ वेरी बैड थिंग। क्लियर? तो प्रेशर अपना थोड़ा ऑफ रखो, अपनी लाइफ को और एग्जाम को थोड़ा सेपरेट रखो। एग्जाम क्लियर करने के लिए पूरी मेहनत करनी है, एग्जाम क्लियर होगा तो आपकी लाइफ सेट हो जाएगी, बट हमेशा ये भी हमें ध्यान रखना है कि हो सकता है ना भी हो ड्यू टू एनी रीजन, इट्स नॉट ए नेगेटिव एटीट्यूड, इट्स ए फैक्ट विच इज हैपनिंग विद 15 लाख पीपल एवरी ईयर। और कोई हमें ये बात सिखाता ही नहीं है, जब कोई हमें नहीं सिखाएगा तो हम डिप्रेशन में जाएंगे। तो ये रियलिटी अंडरस्टैंड करो पहले तो, कि यार हो सकता है इस एग्जाम में ना हो। आई थिंक इफ इट इज क्लियर फ्रॉम डे वन यू विल नॉट गेट डिप्रेस्ड, पहली बात। देन आपको ये देखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैंने वो मेहनत ही नहीं करी जो इस एग्जाम को निकालने के लिए जरूरी है। आई एम कमिंग टू द सेकंड पॉइंट, एसएससी जैसे एग्जाम को निकालने के लिए आपको बहुत 30 मार्क होने की जरूरत नहीं है। एनी एवरेज स्टूडेंट कैन क्रैक दिस एग्जाम, एनी, इट डिपेंड्स कि कौन से वो 7000 लोग हैं, कोई भी हो सकता है। तो आप देखो आपकी तैयारी में कहां कमी है, उस पर काम करो, डिप्रेशन होने से कुछ नहीं होगा। एसएससी का एग्जाम निकले या ना निकले, जिंदगी यहां खत्म नहीं होगी। मैंने भी आईआईटी दिया, मेरा नहीं निकला, मेरा बहुत दिमाग खराब हुआ था, ठीक है, बट आज मुझे लगता है अच्छा हुआ नहीं, आई एम डूइंग गुड, नॉट ए प्रॉब्लम। उस समय लगता था कि यार बताओ आईआईटी नहीं निकला, ठीक है, मेरा केमिस्ट्री का कट ऑफ नहीं निकला था, दो मेरे टोटल मार्क्स बहुत अच्छे थे, प्रीलिम्स में आई हैड 1200 रैंक, मींस में नहीं हुआ। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, अंडरस्टैंड दिस वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स नॉट नेगेटिव एटीट्यूड। हम हमेशा यही बात करते हैं कि बस निकालना है निकालना है, अच्छी बात है, बिल्कुल निकालना है, बट एक दूसरी भी रियलिटी है ना, उसको जानना भी बहुत जरूरी है, राइट, सो दैट वी कैन हैंडल। हो सकता है वो आपके साथ ना हो, आप निकालोगे, आपके दोस्त के साथ ऐसा हो तो कल को वो डिप्रेशन में ना जाए, समझ रहे हो ना आप? ओके, एंड